मोस्ट वेलकम सभी दोस्तों का। RSAT एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग एक बार इस वीडियो में बने रहें और बहुत ध्यान से सुने मेरी बातों को। जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से रीड करके समझें। कोशिश रहेगी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ सोल्व करवाने की, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कल एग्ज़ाम आए और आप एग्ज़ाम फाइट कर सको आसानी से। इससे रिलेटेड और भी कोई भी कंप्यूटर के रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। मेरी कोशिश रहेगी पूरी अधिक से अधिक क्वेश्चन इससे बने हुए रहें। आप लोग लगातार बने रहें और कम से कम टाइम में अपने इस वीडियो को आप लोगों तक भेजने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में प्रदान करता है, वो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में मेन सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो अपने को प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है हार्डवेयर की कनेक्टिविटी का। और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ही अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप का होता है, कमांड यूज़र इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बहुत ध्यान से सुने इसको और आराम से देखें, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। कमांड यूज़र इंटरफेस में तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, लाइनक्स, यूनिक्स एंड आपका MS-DOS। तो इससे बार क्वेश्चन नहीं आने हैं। MS विंडो नाम से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं उनको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जिनमें आप लोग आराम से क्लिक कर सकते हो, यानी ग्राफिकली सिंबल मिल जाता है। इनमें ग्राफिकल सिंबल नहीं था, सबका काम कमांड के थ्रू होता था कीबोर्ड से। तो कमांड यूज़र इंटरफेस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा कमांड यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनसे रिलेटेड ध्यान रखने, कमांड यूज़र इंटरफेस में तीन ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी जितने भी हैं ग्राफिकल यूज़र वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर, यह सबने सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर से क्या संबंधित है। वेब ब्राउजर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसको किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। MS ऑफिस है आपका, ठीक है ना, फोटोशॉप है, कोरल ड्रो है, ऑटोकैड है, वेब ब्राउजर जितने भी हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP का पूरा नाम क्या है, वन टाइम पासवर्ड, आप लोगों के सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है आज के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। मोबाइल वॉलेट में देखो, SBI बड़ी से मोबाइल वॉलेट है, BM भी मोबाइल वॉलेट है, PayTM भी मोबाइल वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट नहीं होता है, ये आपका आंसर रहेगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोबाइल वॉलेट में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा देखो, आप लोग पेमेंट जो करते हो QR कोड से होता है, एक आपके मशीन लगी हुई होती है जिससे कार्ड स्वैप करते हो। क्वेश्चंस देखो आराम से सुनना है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इन्हीं में से। तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो कार्ड स्वैप कराते हो आप लोग कहीं पे भी परचेजिंग करने या शॉपिंग करने जाते हो या कहीं पे भी पेट्रोल पंप वगैरह पे गए तो कार्ड जो स्वैप करते हो वहाँ एक मशीन लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। और आप लोग जो स्कैन करते हो QR कोड करते हो, QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ये सारी सोशल मीडिया हैं, ट्विटर, फेसबुक, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, फ्लिपकार्ट है वो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है जिससे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, EPDS प्रणाली में BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL जो होता है उसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्राधिकरण को आधार कार्ड जारी किया गया, आधार कार्ड कौन बनाता है, UIDAI इस कंपनी को दे रखा है पूरा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड का पोर्ट्रेट से लैंडस्केप बदल सकते हैं। पेज सेटअप में डायलॉग बॉक्स आता है पेज सेटअप का, उसके अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट सिर्फ लेआउट देखने के लिए यूज होता है, हेडर एंड फुटर पेज के टॉप और बॉटम में लिखने के लिए काम में लेते हैं, पेज का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए पेज सेटअप में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है, स्लाइड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, VGA केबल जो कनेक्टिविटी के लिए डिस्प्ले के लिए आप लोग जो केबल यूज करते हैं, जो प्रोजेक्टर में लगाते हैं या मॉनिटर में आप लोग CPU से कनेक्ट करते हो, उस ब्लू कलर की जो केबल होती है उसमें पिंस जो होती है 3 रोस होती है 5-5 पॉइंट्स की,
उस रोज की पिन को पूछा जा रहा है, वो रोज टोटल जो पिन होती है अंदर 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप लोग सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पीडीएफ यूज़ करते हैं अपन लोग, और पीडीएफ के जो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप से आप पिक्चर में बॉक्स, पिक्चर बॉक्स इंसर्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? तो इंसर्ट नाम का ही मेनू होता है, जिसमें अपन लोग किसी भी फाइल में पिक्चर वगैरह, टेबल वगैरह, कुछ भी टेक्स्ट आर्टिकल वगैरह अपन लोग इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक यूज़र को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यकता होती है? इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, मॉडेम होना जरूरी है, वेब ब्राउजर होना जरूरी है? आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है? कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसमें हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है, प्रोसेसर कौन सा है, हार्ड डिस्क कितने जीबी की है, रैम कौन सी लगी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री में, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही है सारे। अगर ओनली पूछा जाए कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑल ऑफ द अबव, ओनली इसमें पूछा ओपन सोर्स कौन से हैं, तो एंड्रॉयड। नेक्स्ट, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 की दबा सकते हैं? स्लाइड शो मेनू से व्यू शो ऑप्शन को चुनिए, दोनों ऑप्शन राइट हैं, ए एंड बी। आप F5 प्रेस करके स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में जा सकते हैं। इसी का एक क्वेश्चन आता है, आप करंट स्लाइड से, यानी करंट किसी भी स्लाइड, मान लो 5th नंबर 6th नंबर स्लाइड में बैठे हो, वहाँ से आपको कोई भी स्लाइड शो स्टार्ट करनी है, उसको करंट स्लाइड से बोलते हैं, उसके लिए शॉर्टकट है Shift+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन पढ़ते दिमाग में अलग क्वेश्चन नहीं रहना है, टाइम्स न्यू रोमन टाइप करने का तरीका है, जिसको कहते हैं फॉन्ट। अपन लोग जो भी टाइप करते हैं फॉन्ट की वजह से होता है, तो आपसे एक बार क्वेश्चन ये भी आया जाएगा कभी, एरियल क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, कैलिब्री क्या होता है, ये कॉमन फॉन्ट है। अगर आपको पूछे हिंदी के फॉन्ट कौन कौन से यूज लेते हैं, या हिंदी फॉन्ट लेने के लिए या हिंदी में टाइपिंग करने के लिए कौन सा फॉन्ट लेना काम है, कृतिदेव, ध्यान रखना, ये कृतिदेव जो फॉन्ट होता है वो हिंदी टाइपिंग के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, EPDS का विस्तृत नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOOC का पूरा नाम मैश्यू ऑनलाइन ओपन कोर्स जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से बेरोजगारी भत्ते के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? भत्ते से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो ई मित्र से भी कर सकते हैं और वेबसाइट से भी कर सकते हैं, यानी दोनों आंसर सी आपका राइट है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्ट एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? यानी आपने किसी टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, किसी पैराग्राफ में फॉन्ट की साइज चेंज करी, कलर चेंज किया, स्टाइल चेंज की, अब उसको आप चाहते हो एक साथ हट जाए, तो उनको सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग नाम का एक ऑप्शन आता है होम टैब पे, यानी ऑप्शन जो सामने ओपन मिलेगी आपने वर्ड ओपन किया तो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है, सारी फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? दोनों पैसे भेजने या भुगतान करने के लिए दोनों ऑप्शन यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका, हॉटस्पॉट के लिए किसकी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई, जब हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो वाईफाई आपका ओपन रहेगा, तभी कनेक्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी आपकी SSD हार्ड डिस्क का ही पार्ट है, रैम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है, पेन ड्राइव भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जो रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, ध्यान रखना है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट आते हैं, रैम एंड रोम। और आपको क्वेश्चन आ सकता है रैम से रिलेटेड, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ध्यान रखना है, और वोलेटाइल का मतलब होता है कंप्यूटर ऑफ होने पे या सिस्टम बंद होने पे या लाइट जाने पे उसमें जो भी डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वो रैम की वजह से होता है। जब तक आप किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव नहीं करते हो तब तक भी वो रैम में ही सेव रहती है। इसके अलावा एक और देखो टॉपिक इसी के रिलेटेड, अगर आप लोग किसी भी फाइल में कट कॉपी पेस्ट जो भी करते हो, इसको बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट जो भी करते हो, क्लिपबोर्ड मेमोरी में जाके सेव होता है, क्लिपबोर्ड मेमोरी,
वो क्लिपबोर्ड मेमोरी जो होती है वो भी रैम का ही पार्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता, यानी किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अपन लोग कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना है, GIF फॉर्मेट अलाउ है, WAV अलाउ है, .jpg अलाउ है, JPEG अलाउ है, इसका मतलब .htm वेब पेज वाला जो .htm या HTML वाला है वो ऑप्शंस आपके अलाउ नहीं है। इट मींस आपको जो ऑप्शन राइट है आंसर इसका वो ए है, ये फॉर्मेट आपको अलाउ नहीं है किसी भी स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प, उसमें @ सिंबल होता है, उनमें कभी खाली स्थान यानी स्पेस नहीं होगा कभी भी, @ सिंबल होता है सबको पता है, जितने भी लेटर हैं सारे लोअर केस स्मॉल लेटर में होंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसका ऑप्शन जो है वो ए एंड बी दोनों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड जोड़ा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ओपन करने का शॉर्टकट है Ctrl+M, और अगर आपको यही क्वेश्चन घुमा के पूछ ले MS पावर पॉइंट में न्यू फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, तो फाइल का शॉर्टकट Ctrl+N ही रहेगा, ध्यान रखें इस चीज का, सिर्फ स्लाइड के लिए Ctrl+M लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहले बता दिया, क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो गया था अपना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, ALU आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है यानी CPU का पार्ट है, कंट्रोल यूनिट एंड ALU प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं इसको। मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, पूछा जाए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर आपका अच्छे हैवी ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए काम में लेते हैं, फ्लैक्स बैनर के लिए। स्पीकर आपका डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको आवाज़ सुनाई देती है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है, आंसर आपका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशेष रूप से पहचाना जाता है, किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो उसका IP एड्रेस कन्फर्म किया जाता है, ध्यान रखना है, मेन उसका यूनिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो IP एड्रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी की का प्रयोग करने से फाइल एंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है, रिप्लेस वाला जो ऑप्शन है Ctrl+H, देखो रिप्लेस में H लेटर नहीं होता है तब भी इसका शॉर्टकट है, और इसमें भी देखो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि रिप्लेस वाला ऑप्शन जब भी चूज करोगे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड क्या करना और उसकी जगह लिखना क्या यानी रिप्लेस क्या करना, इसीलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंडो में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट करना है यानी परमानेंट डिलीट करने के लिए Shift+Delete यूज करते हैं, और उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है उसके लिए अपन लोग एंटर की प्रेस करते हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज में हाइपरलिंक का शॉर्टकट Ctrl+K लास्ट लेटर जो होता है हाइपरलिंक का वही उसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं उपरोक्त सभी, 5,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, 1,00,000 का दुर्घटना बीमा है और जीवन बीमा कवर होता है 30,000 का। नेक्स्ट, मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है रुपयों का आदान प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइल का नाम अधिकतम कितने करेक्टर का हो सकता है, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम की संख्या 10,48,576 रो होती है, 16,384 कॉलम होते हैं, ध्यान रखना ये रो की संख्या, और आपसे हो सके कई बार सेल का एड्रेस पूछा जाए, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बॉक्स बनता है उसको कहते हैं सेल, और इस सेल का एड्रेस हमेशा कॉलम एंड रो के रूप में होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्लैश मेमोरी होती है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जो डिसकनेक्ट कनेक्ट यानी USB पोर्ट से कनेक्ट की, पेन ड्राइव वगैरह आपका मेमोरी कार्ड ये जो भी कनेक्ट करते हैं ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है, सर्च इंजन आपका वेब स्क्रॉलिंग भी करेगा, इंडेक्सिंग भी करेगा, सर्चिंग भी करता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक यानी जो जरूरत नहीं है वो स्पैम में स्टोर होता है, स्पैम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण, अभी क्वेश्चन बताया था आप लोगों को सेल उदाहरण, पहले कॉलम का एड्रेस आता है, ये देखो टेक्स्ट टेक्स्ट ओनली पहले है, फिर डिजिट है ओनली, तो बी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबसाइट जो होती है वेब पेजेस से बनती है, बहुत सारे वेब पेजेस बना के एक वेबसाइट बनाते हैं और किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होम पेज कहलाता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजबूत पासवर्ड में देखो कम से कम 8 लेटर होने चाहिए और उसमें डिजिट भी आती है, नंबर भी आते हैं और वर्ण में संयोजन होता है, वर्णों का संयोजन का मतलब होता है अपर एंड लोअर दोनों। नेक्स्ट, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर कहा जाता है, कंप्यूटर से प्रिंट जो मिलता है उसको बोलते हैं अपन लोग हार्ड कॉपी। नेक्स्ट, ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड दस्तावेज का एक्सटेंशन, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है 2007 के बाद .docx। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक बहुत सारा पढ़ा होगा कई बार आप लोगों ने, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेम कौन सी भाषा को समझता है, मशीनरी लैंग्वेज कोई बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही बात है, बोथ ए एंड बी। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापा जाता है बिट के अंदर, कितने बिट का प्रोसेसर है ये इसी पे थिकनेस पे डिपेंड करता है कि कितने बिट का डेटा प्रोसेस कर रहा है, वो जो उसकी लंबाई होती है किसी टेक्स्ट की वो बिट में काउंट होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर IQ लेवल 0 होता है, सोचने की क्षमता कंप्यूटर की खुद की एकदम शून्य होती है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कंप्यूटर के डाकघर नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, UPI का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 2010 लेन यानी लेंथ पता लगानी है, तो इसमें लेटर कितने ये काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में बुलेट एंड नंबरिंग टेप में होता है, बुलेट एंड नंबरिंग टेप होम टेप पे अवेलेबल होती है आपको फ्रंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन सेट करना है, मार्जिन सेट लेफ्ट राइट दोनों का करना है तो इंडेंट सेट की जाती है। और क्वेश्चन देखो, एक से अधिक लोगों को एक साथ मेल करने के लिए मेल मर्ज यूज किया जाता है, ऑप्शन जो होता है आपके क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है, मेल वर्ड कौन से मेनू के अंदर होता है, तो मेलिंग्स, ध्यान रखना एस लगाना जरूरी है, देख लेना आप टेप के में मेनू के अंदर मेलिंग्स नाम का मेनू है, मेलिंग नाम का नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडम का किसका संक्षिप्त रूप है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज पेंस कमांड, फ्रीज पेंस होती है किसी भी जो हेडिंग्स वगैरह लिख रहे हो आपको फिक्स करने के लिए, आपको स्क्रॉलिंग करें तो स्क्रॉलिंग नहीं हुए, रो एंड कॉलम शीर्षक को स्थायी स्थिर रखने के लिए ताकि वर्कशीट में स्क्रॉलिंग के समय स्क्रॉल ना करें, ये आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमएस पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में को नहीं डाला जा सकता है, इंसर्ट नहीं कर सकते, मैथ की इक्वेशन चल सकती है, वीडियो होगा ऑडियो होगा, मॉडम नहीं कर सकते, आपका बी डी आंसर है जो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD या DVD पर डेटा जो होता है लिखने के लिए उसमें जो स्टोर किया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है बर्निंग, CD और DVD में हमेशा डेटा फ्लैश ड्राइव की तरह ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए उसको बर्न किया जाता है, अगर CD DVD में डेटा स्टोर हो रहा है उसको बोलते हैं बर्न करना। और CD DVD से संबंधित क्वेश्चन, इनकी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की डिजिटल वर्जेटाइल या वीडियो डिस्क। स्टोरेज कैपेसिटी का क्वेश्चन आ सकता है, CD के अंदर 700 MB डेटा स्टोर होता है और DVD के अंदर 4.7 GB डेटा स्टोर होता है। और मेमोरी से रिलेटेड अगर पूछा जाए क्वेश्चन, सबसे छोटी यूनिट है आपकी बिट होती है, बाकी आप लोगों को काउंट करनी है, सबसे छोटी यूनिट का मेमोरी यूनिट का पूछा जाए तो बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका, MOOCs का पूर्ण रूप मैश्यू ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आप देखो एमएस वर्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा RACET में जो क्वेश्चन बनते हैं एमएस वर्ड के आते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से समझें। देखो MS Word जो आपकी फाइल ओपन होती है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नेम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है,
ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा हुआ है। आपका बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट की साइज है वो 11 होती है, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कैलिब्री होता है, ये भी ध्यान रखना है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी हो तो F7 शॉर्टकट है उसका। फॉन्ट की साइज मिनिमम 8 होती है, गलत लिखी हुई है, मिनिमम फॉन्ट साइज 8 एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो है 72 होती है, वो स्क्रॉलिंग लिस्ट के अंदर जो होती है वो आपका स्टैंडर्ड आंसर देना है। दो लाइन के बीच का गैप, आप जब तक टाइप करते रहते हैं एंटर नहीं प्रेस करते हैं तब तो वो सिंगल पैराग्राफ में काउंट होता है, और उन दोनों लाइन के बीच का जो गैप होता है 1.15 PT पॉइंट्स का शॉर्टकट है, स्पेस को पॉइंट्स में काउंट करते हैं। दो पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस होता है वो 10 पॉइंट्स में होता है। आपको कोई फॉन्ट का शॉर्टकट पूछे, फॉन्ट चेंज करना है उसका शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+Shift+F। आपको कोई पूछे फॉन्ट की साइज चेंज करनी है उसका शॉर्टकट क्या, Ctrl+Shift+P। हाइपरलिंक का शॉर्टकट Ctrl+K, लास्ट लेटर है इसका, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। न्यू पैराग्राफ, आपको टाइप करते करते एमएस वर्ड में जैसे आपको नया पैराग्राफ चाहिए उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एंटर की प्रेस की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसी में कुछ भी ढूंढना हो आपको फाइल के अंदर तो Ctrl+F यूज करते हैं, किसी फाइल में किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड या सेंटेंस की जगह दूसरा सेंटेंस लिखना है तब अपन लोग रिप्लेस के लिए Ctrl+H यूज करते हैं, गो टू के लिए Ctrl+G, पूरी फाइल में सबको सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट बोलते हैं इसको, किसी भी फाइल में डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में होम टी प्रेस करनी है, और डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में एंड की प्रेस करनी है। किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए होम की प्रेस की जाती है, किसी भी लाइन के एंड में जाने के लिए एंड की प्रेस की जाती है। आपका इंडेंट जो होता है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के ऑप्शंस भी हैं, अगर इंडेंट को डिक्रीज करना है, कम करनी है साइज, तो Ctrl+Shift+M, अगर डिक्रीज इंक्रीज करनी है साइज को तो Ctrl+M, पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ में एंटर दबाओ, पेज ब्रेक हो जाएगा, आपका कर्सर नेक्स्ट पेज पे जंप कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉन्ट की स्टाइल देखो चार टाइप की होती है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये ध्यान रखना है। रेगुलर का शॉर्टकट नहीं होता है, अगर आप किसी भी फॉर्मेट में वर्ड वगैरह में अगर फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर देते हो, यानी आपने कोई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कर दिया तो रेगुलर की प्रॉपर्टी हट जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल है, कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है, या इनका शॉर्टकट। ऐसे ही टेक्स्ट का अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको लेफ्ट मिलता है, इसके अलावा आप कोई भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं, आपको लेफ्ट बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, राइट करना है तो Ctrl+R कर दो, सेंटर करना तो Ctrl+E करना पड़ेगा क्योंकि C होता है कॉपी का शॉर्टकट, इसीलिए एग्जाम में भी पूछा जाता है। जस्टिफाई, दोनों साइड इक्वल करनी है, आपको किसी भी फाइल के अंदर टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट इक्विवेलेंट रखना है, तब जस्टिफाई शॉर्टकट होता है, जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे कॉलम्स इक्विवेलेंट होते हैं उसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड है, ये फुल फॉर्म आप लोग ध्यान से देख लें, इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली देख लो GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। DVD अभी बता दिया आपको, DPI प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है डॉट्स पर इंच के अंदर, है ना, और जो रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सल से बनता है, आपको स्क्रीन का रिजोल्यूशन अगर कोई पूछा जाए तो पिक्सल के अंदर काउंट होता है, और किसी भी इमेज का सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है वो पिक्सल होता है। मॉनिटर के टाइप हैं CRT, CDMA मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए काम में लेते हैं, CDMA एंड GSM दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है आपको। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मेल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को फुल फॉर्म है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म के अंदर JPG एंड JPG ध्यान रखना है, PNG ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर ये ध्यान रखना है। LCD LED मॉनिटर के टाइप हैं आपके, ठीक। MNP आपके क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, मॉनिटर आपकी सिम पोर्ट कराने के लिए अदर कंपनी में आप लोग कन्वर्ट करते हो उसको बोलते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, नंबर वही रहते हैं कंपनी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आपका देखो IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आपका, जैसे आपको पूछा जाए कंप्यूटर जो मेमोरी होती है यानी जनरेशन होती है कंप्यूटर की वो फिफ्थ है, पांच जनरेशन देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब फर्स्ट जनरेशन में होता है वैक्यूम ट्यूब, आप लोगों को ध्यान रखना है वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। थर्ड में आपका आ गया IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट है। फोर्थ के अंदर आपका आ गया माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एआई, तो ये टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब डैन वाल। सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? सिलिकन, ये भी ध्यान रखना है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी थी। फोर्थ जनरेशन के आपका माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एसएसडी हार्ड डिस्क की नई टेक्नोलॉजी आई है सॉलिड स्टेट ड्राइव यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई पावर बैकअप के लिए अपन लोग यूपीएस लगाते हैं आप लोग सिस्टम के साथ में। यूआरएल कोड होता है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल पता लगाते हैं। यूएसबी आप लोग कनेक्शन के लिए जो पोर्ट होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। वाईफाई जो यूज़ करते हो उसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। डब्ल्यू वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। एसएसओ फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन और वेबसाइट के आगे देखो डॉट, यहाँ डॉट कॉम लिखा हुआ होता है, डॉट सी ओ डॉट इन लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें क्या होती है? डोमेन कोड बोलते हैं इनको, ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है डोमेन कोड, जो डॉट के बाद जो लेटर होते हैं वो डोमेन कोड कहलाते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन फाइल नेम, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप लोग काम करते हो उसकी फाइल जब सेव करते हो तो वो अपने अपने फॉर्मेट में जाकर सेव होती है। वो फॉर्मेट है यानी नोटपैड की फाइल बनाओगे डॉट टीएक्सटी में सेव होगी, वर्डपैड डॉट आरटीएफ में सेव होता है, एमएस पेन डॉट पीएनजी में सेव होती है लेटेस्ट वाली, पहले डॉट बीएमपी में होता था बिटमैप। एमएस वर्ड की फाइल का फॉर्मेट जो होता है डॉट डीओसीएक्स होता है। एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन फाइल नेम होता है डॉट एक्सएलएसएक्स होता है। एमएस पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन फाइल नेम है डॉट पीपीटीएक्स होता है। एमएस एक्सेस के अंदर जो इसका एक्सटेंशन फाइल नेम होता है डॉट एस ए सी सी डी बी होता है। अब फाइल से रिलेटेड टॉपिक देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी एमएस ऑफिस में आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, तो उसमें अगर नई फाइल आपको ओपन करनी है तो कंट्रोल एन, आपको पहले से बनी हुई फाइल ओपन करनी है एग्जिस्टिंग तो कंट्रोल ओ, आपको किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज, पहले से बनी हुई फाइल है उसको अगर उसकी कॉपी बनानी हो या उसको अदर फॉर्मेट में सेव करना हो तो अपन लोग सेव एज यूज करते हैं, उसका शॉर्टकट है F12। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए कंट्रोल पी, फाइल को क्लोज करना डायरेक्ट तो ओल्ड प्लस F4। कट कॉपी एंड पेस्ट, ये तीनों चीज़ें और ये भी फॉर्मेटिंग जो क्लिपबोर्ड मेमोरी का पार्ट है, तो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्टेड को कट करना तो कंट्रोल एक्स, उसकी कॉपी बनानी कंट्रोल सी, उसको पेस्ट करना कंट्रोल वी। आप देखो फॉर्मेट पेंटर किया है, किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी को अगर कॉपी करना है तो फॉर्म पेंटर का यूज करते हैं। इससे रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन है, देखो अगर किसी फॉर्मेट पेंटर को आप सेलेक्ट करते हो तो कर्सर की जो पोजीशन होती है यानी उसका डिजाइन जो होती है एमएस पेंट में जो ब्रश होता है उसकी तरह बन जाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार, फॉर्मेट पेंटर से आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी कॉपी तो कर ली लेकिन उसको पेस्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाने की, आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें और जब भी एग्जाम में बैठें पूरा पेपर आप एक बार रीड करें, कोशिश करें पहले उसको आराम से पढ़ें। आप जाते ही ओएमआर सीट ना पढ़ें और ना उससे गलती होने दें, ओएमआर सीट को आराम से आप लोगों के रोल नंबर वगैरह है जो फिल करके छोड़ दें, पहले पेपर को पूरा रीड करें, जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं समझ में उनको आंसर देने की पेपर के अंदर ही कोशिश करें पहले, ओएमआर सीट नहीं पढ़ें जल्दीबाजी में। आप लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने हैं और आप लोगों का देखो क्वेश्चंस जो होते हैं आप लोगों के 35 क्वेश्चंस का जो है पेपर आता है आरएसएटी के अंदर, उसमें से आपको मिनिमम 14 क्वेश्चन राइट करने हैं, 14 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 14 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप लोग पास हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, बहुत ध्यान रखें। ओएमआर शीट को बहुत आराम से भरें, कई बार सही किया हुआ पेपर के अंदर क्वेश्चन आप लोग ओएमआर शीट में गलत भर देते हो, इसका बहुत ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप लोग एक बार इस वीडियोस को पूरा एक बार वापस रीड करके देख लें, व्यू करें और आप लोग कोशिश पूरी रही है कि आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।